हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार दुनिया में आने वाला सबसे पहला मनुष्य मनु था। यह मनुष्य सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न हुआ था। इसी मनु ने मनुष्य की सामाजिक और धार्मिक विधि संहिता की रचना की, जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। जब संपूर्ण सृष्टि की रचना मनुस्मृति के द्वारा हुई है, तो क्यों दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग मनुस्मृति का बहिष्कार कर रहे हैं? उनके द्वारा यह क्यों फैलाया जा रहा है कि मनुस्मृति मानवता के खिलाफ है? मनुस्मृति को हिंदू शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। यह ग्रंथ मानव धर्म तथा शास्त्रों का मिश्रण है। इस ग्रंथ में दिए गए तमाम उपदेश मनु द्वारा ही रचे गए हैं, जिन्हें लिखने के बाद मनु ने इस महान ग्रंथ को ऋषियों को सौंप दिया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनुस्मृति भगवान ब्रह्मा की वाणी है। जिस तरह से दुनिया में पहला पुरुष आया था, उसी तरह से पहली स्त्री का जन्म भी ब्रह्मा जी की काया से हुआ था। यह स्त्री, जिसे सतरूपा के नाम से जाना जाता है, इसने भी ब्रह्मा जी की काया से पूर्ण विकसित रूप में ही जन्म लिया था। स्त्री के आगमन से लेकर मनुस्मृति में स्त्री के चरित्र, उसके हाव भाव तथा तमाम उन बातों का जिक्र किया गया है जो किसी स्त्री को परिभाषित करती हैं। मनुस्मृति में कुल 2690 छंद उपस्थित हैं, जिन्हें कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है। इसका अध्याय पहला मनुष्य तथा पृथ्वी लोक से जुड़े अनगिनत तथ्यों को बयां करता है। इसके साथ ही मनुस्मृति में स्त्री के व्यवहार को लेकर भी कुछ शब्दों का गठन है, जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनु द्वारा स्त्री को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। उनका यह विचार मनुस्मृति में ही दिए गए एक श्लोक से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है, जहां स्त्रियों का सत्कार एवं सम्मान होता है, वहीं देवता का वास होता है। यानी कि जिस समाज में स्त्री को सम्मान प्राप्त नहीं होगा, वहां प्रगति होना असंभव है। मनु द्वारा दिए गए, यदि मनु की तरह ही आज का पुरुष भी स्त्री का आदर करे, उसकी रक्षा करे, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा समाज भी सफलता की ऊंचाइयों पर होगा। लेकिन आज के मनुष्य को इन बातों को समझने में काफी समय लगेगा, शायद इतना कि जिसका अनुमान करना कठिन है। वैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसान को विभिन्न जातियों में विभाजित किया गया है, लेकिन मनु के अनुसार एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता। ना तो वह ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय और ना ही शूद्र जाति से संबंध रखता है। इंसान जब चाहे खुद को अपने अनुसार जाति में विभाजित कर सकता है। मनु ने लोगों को स्त्री की रक्षा करना सिखाया। मनुस्मृति में वर्णित एक श्लोक के मुताबिक एक स्त्री को पुरुष द्वारा सुरक्षित किया जाता है। जब वह बालिका है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसके पिता की है। विवाह के बाद वह अपने पति की जिम्मेदारी है, और यदि वह विधवा हो जाए तो वह उसके पुत्र की जिम्मेदारी है कि उसकी सदैव रक्षा करे। आज के समाज में जहां लोग वर के योग्य कन्या की तलाश करते हैं, वहीं मनुस्मृति में बिल्कुल विपरीत बात लिखी गई है। मनु मानते हैं कि हमें हमेशा कन्या के योग्य वर की तलाश करनी चाहिए, ना कि वर के योग्य कन्या की। मनु द्वारा स्त्री शिक्षा को भी एक बड़ा महत्व दिया गया है, जो आज के समाज को समझने की जरूरत है। विवाह के संदर्भ में स्त्रियों के लिए मनु की जो सोच है, उसमें एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि मनु कहते हैं कि यदि अभिभावकों को कन्या के योग्य वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन्हें कभी भी अयोग्य वर से अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। बेशक उनकी कन्या ताउम्र कुमारी रह जाए, लेकिन उसकी खुशी के लिए उन्हें अपनी कन्या के योग्य ही वर चुनना चाहिए। परंतु जो आज के समाज में यह हो रहा है, या इसके बिल्कुल विपरीत है। वर के योग्य कन्या ढूंढी जा रही है, और हद तो तब हो जाती है जब एक पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी अयोग्य वर से कर देता है, सिर्फ इसलिए कि उसे कम पैसों में उसका विवाह करना पड़ रहा है। जिस प्रकार आज हमारे समाज की दयनीय स्थिति है, कहीं ना कहीं हम ही उसके जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही मनु कहते हैं कि कन्या स्वयं भी अपने लिए वर चुनने के लिए सक्षम है। यदि किन्हीं कारणों से कन्या के अभिभावक उसके लिए योग्य वर की तलाश नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कन्या को ही अपने योग्य वर की प्राप्ति हो गई है, तो उसका विवाह उस वर से कर देना चाहिए। स्त्रियों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए मनु कहते हैं कि एक कन्या को भी वह सभी अधिकार हासिल हो जाएं जो एक पुरुष को मिले हैं। यदि एक पुरुष स्वयं अपने लिए कन्या का चुनाव कर सकता है, तो एक स्त्री को भी अपने लिए वर चुनने का संपूर्ण अधिकार है।
मनु बताते हैं कि एक स्त्री ही पूरे समाज को बांध कर रखती है। उसमें इतनी ताकत है कि वह अपने परिवार को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही मनु यह भी कहते हैं कि यदि एक स्त्री को जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त कर दी गई हो तो वह उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मनु स्त्री के चरित्र पर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहते, बल्कि स्त्री को मर्यादाओं का पालन करने का भी संदेश देते हैं। एक मर्यादा में बंधी स्त्री वास्तव में स्वतंत्रता का तभी पूर्ण आनंद ले सकती है जब वह स्वतंत्रता के मूल अर्थ को समझ पाती है। यानी ऐसी कोई भी स्त्री जिसे वास्तव में स्वतंत्रता का मूल अर्थ ही नहीं पता है, तो वह कैसे अपने आप को उस स्वतंत्र समाज में रख पाएगी। मनु स्मृति में स्त्री के अधिकारों पर खास प्रकाश डाला गया है। मनु मानते हैं कि एक पुरुष, चाहे पति हो या पिता, उसे अपनी पत्नी तथा पुत्री के अधिकारों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक स्त्री ही घर की लक्ष्मी मानी गई है। यदि पुरुष उसकी जरूरतों को पूर्ण नहीं करेगा तो वह घर में आने वाली लक्ष्मी को वापस लौटा सकती है। मनु कहते हैं कि यदि किसी कारणवश एक पति अपनी पत्नी से दूर चला जाए तो उसे अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा करना होगा। यह अनिवार्य है कि वह अपनी पत्नी को वह सभी साधन प्रदान करे जिससे वह अपना घर चला सके। उसे अपनी पत्नी को आर्थिक संदर्भ में भी मदद करनी होगी। स्त्री के अधिकारों की बात करने के साथ साथ मनु यह भी मानते हैं कि स्त्री की प्रसन्नता सबसे जरूरी वस्तु है। यदि एक स्त्री किसी पुरुष से संबंधित है तो उस पुरुष को उसकी हर खुशी का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से मनु कहते हैं कि एक स्त्री का सम्मान ही समस्त सृष्टि के लिए भलाई का साधन बनता है, उसी प्रकार से उसकी खुशी भी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुस्मृति में वर्णित जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है, ये सभी मनुस्मृति में वर्णित कुछ चुनिंदा बातें हैं जो समाज में एक स्त्री की छवि दिखाती हैं। स्त्री क्या है, किस तरह से बात करती है, उसका व्यवहार, आचरण तथा उसका विभिन्न लोगों के साथ क्या संबंध है, इस पर मनुस्मृति में और भी अनगिनत व्याख्याएं की गई हैं। मनु किस तरह से स्त्री को समाज का बेहद महत्वपूर्ण भाग मानते हैं, यह मनुस्मृति में उन्होंने अनगिनत छंदों द्वारा प्रस्तुत किया है। कई बार टिप्पणीकार इन छंदों की गलत रूप से व्याख्या करते हैं, जो स्त्री के चरित्र पर मनु द्वारा आघात मान लिया जाता है। लेकिन सत्य यही है कि मनु द्वारा स्त्री को संसार की बेहद खूबसूरत एवं आदरणीय रचना माना गया है। तो आप किसी भी प्रकार की अफवाहों के चक्कर में ना रहें। कोई भी व्यक्ति यदि यह कहता है कि मनुस्मृति में स्त्री की गलत रूप में व्याख्या की गई है, तो वह सरासर झूठ है। और अंततः सत्य यही है कि मनु द्वारा स्त्री को संसार की बेहद खूबसूरत एवं आदरणीय रचना माना गया है। स्त्री भगवान द्वारा बनाई गई वह रचना है जो सिर्फ समाज के लिए आवश्यक ही नहीं, पूजनीय भी है। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो नीचे कमेंट में यस और नो लिखकर हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। मिलता हूं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।